बदल कर रख दूंगा मुकम्मल फिजा जमाने की, हमें तो जिद है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने की। तो चैनल है आपका पूरी तरह से साफ सुथरी एजुकेशनल चैनल है, शिक्षा से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं। कहते हैं ना दोस्तों कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और साथियों उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज एकेडमी प्रयागराज। साथियों आपके बहुत अच्छे प्यार और सपोर्ट से और हमारे मेहनत से आज साथियों हमारे चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आपके प्यार और सपोर्ट से हमारा पहला पेमेंट भी आ चुका है। तो इस खुशी में हमने साथियों एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें अपने सबसे अच्छे और प्रिय सर जी को इनवाइट किया है जो है केक काटने के लिए, और एक छोटी सी पार्टी उनको दी है इस खुशी में, और उन्हीं के माध्यम से जो है हम सेलिब्रेशन करेंगे। और हमारे कुछ मित्र जी आए हुए हैं, अभिषेक जी और प्रियांशु गुरु जी हैं, और यहाँ पर मुकुल जी हैं और संजीव जी और अमन जी और गुरु जी अभी आ रहे हैं। तो चलिए साथ ही उनका स्वागत करते हैं बहुत अच्छे तालियों के साथ, अभी स्वागत करेंगे गुरु जी का। और बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको गुरु जी के द्वारा एक संदेश दिया जाएगा और एक जो है अच्छा मोटिवेशन आपको गुरु जी के द्वारा मिलेगा ताकि आप जो है सफलता के रास्ते पर आगे चलकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो चलिए साथियों गुरु जी को बुलाते हैं और स्वागत करते हैं। सर जी आ चुके हैं साथियों और हम आशीर्वाद लेंगे सर जी का। और साथियों हम सर जी का स्वागत करेंगे अपने चैनल पर, और सर बहुत आशीर्वाद, काफी सर जी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोग जो है काफी अच्छे नंबरों से जो है सीटेट और टेट पास होकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं आई, तो इंतजार है भर्ती का आगे। और आगे हम बुलाएंगे जो है गुरु जी को कि सर जी का जो है आशीर्वाद लें थोड़ा। बहुत आशीर्वाद हमारे मुकुल जी भी माल्या पर करेंगे सर जी का। तो चलिए अब आगे सर जी से जो है कैंडल जलवाते हैं। कितने अपार समय को आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। जी जी है कि नहीं। जी जी, वास्तव में आप लोगों की ये जो सफलता है, जी जी, यह सफलता एक छोटी सफलता नहीं है, क्योंकि यह एक अर्जित सफलता जी, है जी। जो चीजें हम लोग लेकर आए हुए हैं वो तो हमारे पास है ही जी। पर हम तमाम सारी चीजों का अर्जन करते हैं और वही अर्जन हम लोगों को इतना बेहतर बनाता है। आज जो भी जितना भी आगे बढ़ा है सर, उस सब अर्जन के दम पे बढ़ा है, ठीक है। और अगर हम लोग इस अर्जन को महत्व देते रहेंगे, ठीक है, तो समझ लीजिए कि अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाएंगे। और आज हम लोगों के लिए इतना गौरव का विषय है और इतने गौरव का दिन है कि ये हमारे साथीगण जो कि आज अपने दम पर यहाँ पर प्रयागराज में एक संस्था को स्थापित कर चुके हैं, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों स्वरूप में, ठीक है। और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि ये हमारे बच्चे, ये हमारे लोग आने वाले दिन में शिक्षक ही नहीं तमाम शिक्षकों को पैदा करेंगे, और वही शिक्षक आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी नौकरी जो होगी उसको भी अर्जन करने वाले लोगों को पैदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने बच्चों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं। आइए साथियों सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, देखिए, बनिए, और आप सभी लोग भी इन्हीं की तरह, इन्हीं लोगों की तरह आगे बढ़ते रहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग आगे बढ़े हैं निश्चित है कि वह अपने कर्मों के हिसाब से बढ़े हैं, ठीक है। तो हम एक इस बात को आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम आप लोगों का होना था दो दिन पहले होना था, लेकिन देखिए आज गंगा दशहरा का पावन जी जी दिवस है और इस दिवस पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस दिवस को इतने बेहतरीन ढंग से स्वीकार कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर भी कर्मों को स्वीकार करते हैं, ईश्वर भी कर्मों को स्वीकार करते हैं। इसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए अपने साथियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने कर्मों को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाए रहें ताकि ईश्वर भी आप लोगों के कर्मों का जो है सम्मान करें, स्वीकार करें, और दिन प्रतिदिन, दिन दोनी रात चौगनी आप आगे बढ़ते जाएं। आज के डेट में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं ना इस धारा पर एक ईंट से लेकर एक बिल्डिंग अगर खड़ी है, या वायुयान उड़ान भर रहा है, या हम लोग मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वह सब क्या है, अर्जन की क्षमता है।
व्हाट्सएप क्या है? एक प्रकार की लोगों के अपने गुणों कौशलों का प्रयोग है। हम सब जो है क्या है, पहले पैदल चलते थे, हम लोगों के पूर्वज इतना अर्जन नहीं कर पाए थे, लेकिन आज के डेट में देखिए, आज अभी एक घंटे पहले यहाँ, एक घंटे बाद कहीं और, दूसरे घंटे बाद कहीं और, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो 18-18 घंटे काम करने लगे हैं। ठीक है, तो हम अपने बच्चों को या अपने साथियों को सबको यह सलाह देना चाहेंगे कि आपको रुकना नहीं, आपको झुकना नहीं। ठीक है, जब तक है दम लड़ते रहेंगे हम, समझ रहे ना। और दूसरी बात यह है, एक बात और समझो कि जिस प्रकार से हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था और सिखाया था, उस दौरान हमने आपसे कहा था कि बदल कर रख दूंगा मुकम्मल फिजा जमाने की, हमें तो जिद है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने की। ठीक है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने की। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि BPSC आपने यहाँ शिक्षक भर्ती करी है, जिसमें Tier 1, Tier 2 इस प्रकार से हुआ है, Tier 3 भी प्रोसेस में है, एक बार परीक्षा हुआ है। तमाम सारे बच्चे आप ही लोगों के साथीगढ़ जाकर सेलेक्ट होकर वहां पर प्रवक्ता बन चुके हैं, अध्यापक बन गए हैं, प्रमोशन के टेंशन ही खत्म। अब सीधे सीधे वो अपने और भी ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने की प्रयास करें, अपने आप को रोकना नहीं कभी। एक बात समझ लेना भाई, सभी लोगों को बताना चाहेंगे, सभी साथियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका भी समय होगा। ठीक है, समय सबको एक बार मौका देती है, उस मौके को तलाशते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, रुकना नहीं है। अगर चलते रहेंगे तो हर हर राह कदमों के नीचे आएगी, हर राह कदमों के नीचे आएगी। तो इसी के साथ मैं अपने विद्यार्थी को प्यार भरा आशीर्वाद दे रहा हूं कि दिन दोनी रात चौगुनी, आज तुम आज आपका 6,000 हुआ है, अगले साल 60,000 से ज्यादा, 6,00,000 से ज्यादा हम जो है इनको बधाई देंगे। ठीक है, तो चलिए साथी सर जी ये काटेंगे और ठीक है, इसके बाद थोड़ा आशीर्वाद लेंगे। आइए प्रसाद खाइए हमारे साथ आप लोग, आइए प्रसाद खाइए हमारे साथ आप लोग। चलिए सबसे पहले हम अपने प्रिय विद्यार्थी को खिलाने चल रहे हैं। अरे हमारी ओर से सभी बच्चों को आज मिलेगा प्रसाद। ठीक है, यह दिन और आगे बढ़ाइए आप लोग, आने वाले वर्ष में हम सब जो है जिसकी गिनती ना हो वहां तक पहुंचना हम लोगों को। आइए देखिए, तो ये हमारे शिष्य जो है आज फास्ट हैं। अब देखिए कि इन लोगों में ज्ञानात्मकता भी है और भावनात्मकता भी है, साथ ही साथ ये कौशलात्मकता भी खूब भरी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि निश्चित है कि प्रशिक्षण का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वह सामान्य जीवन में हो या फिर प्रोफेशनल जीवन में हो, कहीं भी प्रशिक्षण का फायदा इतना मिलता है साथी कि जिसका कोई तोल नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी अच्छी खासी लोडेड गाड़ियां लेकर पार हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी इस बात पर भरोसा करिए कि हम सब भी चाहे कितना भी लोडेड गाड़ी का मतलब हम लोगों के पास कौन है, बच्चे हैं, परीक्षा है, एग्जाम है, कंपटीशन है, हम लोग उसको लेकर चलेंगे, दिन प्रतिदिन चलते रहेंगे, हार कभी मानना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, बस। ठीक है, हमारा बहुत प्यारा विद्यार्थी, एक नंबर का बदमाश, एक नंबर का खुरापात, लेकिन अच्छा विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी। क्योंकि आप सभी को इस बात को बता देना चाहेंगे, कुछ लोगों को दुविधा हो जाएगा कि ये बहुत बदमाश बच्चा है, तो आप सभी जानते हैं ना कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो खुरापात होता है थोड़ा सा। ठीक है, वो अशांत रहता है, हमेशा शांत नहीं रहता है वो। ठीक है, हमेशा खोजप्रिय होता है। ठीक है, चलो खिलाते जाओ, सब लोग खिलाते जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस बस। तो देखिए साथी, आज हम बहुत ज्यादा केक खा रहे हैं और आप लोग भी, आप लोग भी ये मान के चलिए कि हम भी खा रहे हैं। जी जी, ठीक है, सर जी से आशीर्वाद लीजिए और आगे जो है अपनी मंजिल को पहुंच जाइए। सर जी का आशीर्वाद हम भी लेंगे ताकि आगे जो है चलकर हम भी एक सफलता के मुकाम पर पहुंच जाएं, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो आगे भी चैनल भी आगे जो है बढ़ेगा और आप लोगों को एक अच्छा जो जानकारी है टेट, सीटेट, सुपर टेट की, यहाँ से आपको लगातार मिलती रहेगी। बाकी सर जी
आगे भी चैनल पर लगातार आते रहेंगे आपको मार्गदर्शन देने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम भी आशीर्वाद ले लें थोड़ा सर जी से। एक बात आप लोगों से कहेंगे कि अगर कोई उठ रहा है तो थोड़ा सा सहारा दे दीजिए, वो भग जाएगा, उछल जाएगा, जी जी सर, पार हो जाएगा। तो बच्चा है, प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, कोई त्रुटि होती है, मानवीय भूल समझकर क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन छोटा भाई है इसलिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चल भाई चल, ठीक है, चलते रहिएगा साथ में। इसी के साथ इनको थोड़ा आगे बढ़ाने का भी प्रयास आप लोग करें प्यारे साथियों, ठीक है, ठीक है। तो साथियों सर जी हमारे चैनल पर आए तो सर जी का जो समय था बहुत ही कीमती था, लेकिन सर जी ने समय निकाल कर हमें समय दिया, इसके लिए सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर जी आप लोगों से दो शब्द कहेंगे परीक्षा के बारे में और हमारे बारे में कि सपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए सभी साथियों को सबसे पहले नमस्कार और सभी लोगों को ढेर सारी बधाई कि आप लोगों ने इस बच्चे को यहाँ तक सपोर्ट किया और आगे भगाया। और रह गई बात, हमने अपना समय नहीं दिया, ये आपने ले लिया और हमें उम्मीद है कि अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें ऐसा समय देना नहीं, बिल्कुल आप ले लेंगे ऐसा समय, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सभी बच्चों के लिए हम ये बात बताना चाहेंगे, यह जो चैनल है आपका पूरी तरह से साफ सुथरी एजुकेशनल चैनल है, शिक्षा से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं, कोई भी जानकारी लेनी हो आपको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप सीधे सीधे जब ये लाइव होते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जी जी सर, मतलब कि जितना भी माध्यम है अगर आप उस माध्यम का सहारा लेते हैं तो आप जो है हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और ये चीजें आप तक पहुंचेंगी और आपके सगे संबंधियों तक पहुंचेंगी। ये आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा उसे लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे के पास पहुंचाएं बेटा, ठीक ना। अगर आप सभी लोग जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि कुछ अच्छी बातें उन तक पहुंच जाएगी जो बेचारे बहुत गांव में रहते हैं लेकिन नेट चला रहे हैं। तो इनका जो चैनल है उसका मतलब है परोपकार करना, दूसरे को कुछ चीजें देना, इनके माध्यम से लोग सीख सकें, समझ सकें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग अपडेट नहीं हो पाते हैं, भाई आप जो है अब समय बदल चुका है, आप 2 घंटे 1 घंटे बैठकर अखबार या समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसी समस्याएं आती है बच्चों के सामने। तो ऐसे में क्या है ना कि ये सारे लोग जो है ये जो एजुकेशनल चैनल वाले लोग हैं ये सब क्या करते हैं, मैटर को एकदम छानबीन कर साफ सुथरा 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे की वीडियोज में आपको दे देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका समय बच जाता है। तो कुल मिलाकर इस दौर में आपको अपना समय भी बचाना है और क्रांति भी मचाना है। क्रांति का मतलब रक्त वाला नहीं, क्रांति का मतलब है एकाएक परिवर्तन, तीव्र गति से परिवर्तन, जो कि रक्तविहीन हो, रक्तहीन हो, रक्त से परे हो, लेकिन उसमें परिवर्तन हो, उसमें गति हो, उसमें तीव्रता हो, उसमें स्पष्टता हो, समझ पाए। तो ये सारी बातें आप सभी बच्चों तक हमें पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य था और आप सभी बच्चों का ऐसा ही प्यार रहेगा तो जब भी आप सभी लोग मुझे बुलाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं से हम आपको जरूर समय देंगे। और यहाँ तक ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई बच्चा टॉप करता है, पढ़ता है, प्रथम स्थान लाता है, अच्छा रैंक लाता है, आप उसे सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, उस बच्चे को जरूर बधाई देंगे, उस बच्चे को जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, समाज के सामने लाने का प्रयास करेंगे, समाज के सामने उसका चेहरा लाने का प्रयास करेंगे कि परिश्रम कदमों तक झुकती है, ठीक है। तो इसी के साथ अपने शब्दों को हम यहाँ पर रोकना चाहते हैं और अपने बच्चों से यह बात कहना चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते चलो, चलते रहो और कभी भी पीछे तभी देखो जब ये हो जाए कि आप कितनों से आगे निकल चुके हैं। एक बार झुक कर देख लेना, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा कि मैंने कितने लोगों के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा है। यहाँ पीछे देखने का मतलब पीछे झुकना नहीं है, यहाँ पीछे देखने का मतलब यह है कि आपके अंदर दुगनी साहस बढ़ाने की। तो साहस बढ़ाने के लिए एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए, जैसे आपने देखा होगा रेसर होते हैं वो तिरछी निगाहों से पीछे देखते रहते हैं और अपनी गति को बनाए रखते हैं, जितनी ही वो एक दूसरे को काटते हुए आगे निकलते हैं ना उसी प्रकार से वह और क्षमताओं के साथ बढ़ते जाते हैं। अगर उनके पास वाले लोग उन्हें शाबाशी देते रहते हैं कि शाबाश चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो, और ऊर्जा उनके अंदर जागृत होती है, ऊर्जा व्यक्ति के अंदर है उसे जगाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों में ये सारी चीजें जग रही हैं,
तो हमारा उद्देश्य है कि आप जगते रहे चलते रहे, थोड़ा सा कुछ आदर्शों को भी लेकर चलें। जैसे स्वामी विवेकानंद का आदर्श है कि नहीं, आपने देखा होगा। बीडी सावरकर का आदर्श है, ऐसे लोगों का आदर्श, चंद्रशेखर आजाद का आदर्श है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का आदर्श है। तो मतलब कुल मिलाकर थोड़ा सा आदर्श लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो ये बात निश्चित है कि लोगों को इतिहास भी भरोसा दिलाएगा। वो जो आदर्श आप मानेंगे वह लोगों के लिए वो भरोसा की चीज होगी और उस पर लोग विश्वास करेंगे और जो है अपनी क्षमताओं का उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करें, सीखें, समझें और दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। जय हिंद, जय भारत। तो सर जी से अब हम विदा लेंगे और आशीर्वाद लेंगे कि सर जी अपना प्यार और दुलार इसी तरह से बनाए रहे हम पर। जय हिंद, स्वागत।